कहा कि मैं गांव का था और गांव में स्पिनर को बॉलर नहीं समझते, और आप गांव वाले जीते बैठे हो। आप देख लो अपने गांव में दो ही प्रकार के होते हैं, या तो आप बैट्समैन हो या आप फास्ट बॉलर हो। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं स्पिनर बन। एक इतिहासकार है फरिश्ता, कौन इतिहासकार है, बीच में कहीं पढ़ा था हमने, वो कहता है कि जब अलाउद्दीन की सेना वापस जा रही थी और जटा देवड़ा ने आक्रमण करके उससे सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग के टुकड़े छीन ली, तो अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा आता है। अलाउद्दीन 1305 में अपने एक सेनापति को सेना देके जालौर भेज देता है। उस सेनापति का नाम था ऐनुल मुल्क। क्या नाम था सेनापति का, क्या नाम बताओ, दोबारा बोलो देखे, किसका सेनापति है, किसका, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मुल्तान, कौन सी जगह, मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए पूरा नाम है ऐनुल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था पूरा, ऐनुल मुल्क तो हो ही गया, आगे क्या लगाना, मुल्तानी। मुल्तानी क्यों, कहां का रहने वाला था, नाम सुना है मुल्तान का, क्या सुना है उसके बारे में, मुल्तान का सुल्तान, हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने एक बार वहां पर 309 रन बनाए थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग का नाम ही क्या पड़ गया था, मुल्तान का। पाकिस्तान के एक बॉलर का करियर बर्बाद कर दिया था, जानते हो बॉलर कौन था, बताओ देखिए, क्रिकेट विकेट देखते होंगे आप, वो उस बॉलर का लास्ट मैच है, उसके बाद वो बॉलर कोई मैच नहीं खेला, जबकि वो पाकिस्तान का महानतम बॉलर रहा है। अब्दुल रज्जाक तो उसके बाद खेला, 2011 का वर्ल्ड कप तक खेला, शकलेन मुश्ताक, एग्जैक्टली शकलेन मुश्ताक पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक है। और आज आपके स्पिनर जितनी भी नई नई बॉल फेंकते हैं, नकल बॉल, कैरम बॉल, दूसरा तीसरा पांचवा जो भी फेंकते हैं, ये यदि किसी ने सबसे पहले इजाद की थी तो वो आदमी कौन था, शकलेन मुश्ताक। और उसमें सहवाग ने इतना मारा था उसको, इतना भयंकर मारा था कि उसका लास्ट मैच, और सहवाग कैसे खेला होगा उस मैच में कि उसका 100 जो है छक्के से है, शतक मारा था तब छक्का लगा के मारा था, वो 200 पर गया तब तेंदुलकर सामने खेल रहा था उसके, तेंदुलकर ने उसको बुलाया, गिदरा वैसे नहीं करेगा, उसने कहा भैया करना तो वही है मेरे को। तो तेंदुलकर ने कहा कि इसे जस्ट लास्ट मैच में जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, ब्रेटली की बॉल पर 195 पे तू बैटिंग कर रहा था, छक्का मारने की कोशिश में मिड ऑफ पे आउट हो गया था, इसलिए आज मत मारना, 200 पे कौन कौन पहुंचता है यार, हमसे पूछ, हम कभी यदि 150 क्रॉस कर लेते हैं तो वहां से टुक टुक करने लगते हैं, पूरा दिन खा जाते हैं पर 200 नहीं बनाते, हम डरते रहते हैं, और तेरे को सोगन है, मम्मी की सोगन है यदि छक्का मारे। तो सहवाग ने 200 अपना सिंगल 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 लेके किया। अब सहवाग वापस आ गया 300 पे, सामने वापस खेल खड़ा है तेंदुलकर, तेंदुलकर ने कहा है तो उसने कहा भैया देखो पिछली बार आपकी बात मान ली, इस बार आप मेरी मान लो। तेंदुलकर ने कहा नहीं मैं कह रहा हूं 300, इंडिया में आज दिन तक कोई नहीं पहुंच पाया 300 पे, तू पहुंचने वाला है और तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो उसने कहा चलो 50-50, यदि अगले ओवर में शकलेन मुश्ताक आया तो छक्का मारूंगा, शकलेन मुश्ताक नहीं आया तो सिंगल लूंगा। आप कॉन्फिडेंस देखिए, शकलेन मुश्ताक आएगा तो पक्का छक्का मार दूंगा। अगले ओवर में शकलेन मुश्ताक आया, शकलेन मुश्ताक आते हैं, उसने छक्के से अपना 3रा शतक पूरा किया था। तो शकलेन मुश्ताक को तो इतना मारा है कि उस मैच के बाद शकलेन मुश्ताक को पाकिस्तान वालों ने मैच नहीं खिलाया कभी। और सहवाग को आप कभी देख लो, स्पिनर को बहुत बुरा मारा करता था। श्रीलंका में एक स्पिनर आया था अजंता मेंडिस, मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, मतलब उसकी तो बॉल ही समझ में नहीं आती, और वाकई भारत वालों को वो यूं बिखेर दिया करता था। मुझे याद है मैच के स्कोर होते 198, इंडिया टोटल स्कोर 198, मेंडिस का वो देखते थे, मेंडिस का उसको मिलता 10 ओवर 38 रन 6 विकेट, 6 विकेट वो ले गया मतलब इंडिया वालों के 198 में। वापस स्कोर देखते किसका कितना स्कोर है, तो वीरेंद्र सहवाग 109, पूरी टीम का स्कोर 198 है, उसमें शतक मार के वो बैठा हुआ है, अजंता मेंडिस के 38 रन उसी ने बनाया, बाकी जो अजंता मेंडिस ने किसी को जीरो ही नहीं लेने दिया, सिंगल ही नहीं लेने दिया, टुक नहीं करने दिया, इतना बुरा मारता था। और उसको सहवाग का धोया हुआ है। विशाखापत्तनम में एक पाकिस्तान के साथ में मैच था, इंजमाम उलक पाकिस्तान का कैप्टन था, वो पास में फील्डिंग करे, दानिश कनेरिया बॉल फेंके, तो कनेरिया लगातार लेग स्टंप पर बॉलिंग करे, लेग स्टंप पे बॉल पड़े अंदर की तरफ आए, लेग स्टंप पे बॉल पड़े अंदर की तरफ आए। एक ही तरीका होता है इसी बॉल को खेलने का, या तो पैड को आगे लेके जाओ बैट से रोको, या आगे बढ़कर शॉट मारो, पर उसमें संभावना है कि गेंद मिडोन या मिडोन पे टंग जाएगी, ऊपर तो आप कैच आउट हो सकते हैं। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों एकदम पीछे लगा रखे इंजमाम उलक ने, तो सहवाग इंजमाम उलक को कहता है कि भाई एक बार मिड ऑन को आगे बुला ले एक बॉल के लिए,
तो उसने कहा क्यों बुला लूं, तो उसने कहा छक्का लगाना, तो एक बॉल में छक्का मार देगा, कि नहीं लगे तो वापस भेज देना तू। तो उसने होता क्या कि कप्तान जब भी फील्डिंग चेंज करता तो बॉलर को पूछ के करता है, भाई बॉलर इसको यहां लगा दूं, इसको यहां लगा दूं। उसने इस बार दानिश कनेरिया को पूछा, भाई एक बॉल के लिए क्या पूछे, और उसने मिडोन वाले को इशारा किया, तो मिडोन वाला 30 गज के सर्किल के अंदर आगे खड़ा हो गया, मतलब बॉलर के ठीक पीछे। बॉलर बेचारा क्यों ध्यान देता, बॉलर अपना आया, बॉल फेंकी, उसने बॉल फेंकते सहवाग ने टांग दिया ऊपर छक्का। तो जैसे ऊंची उठी तो उसने पीछे देख के कहा, भाई कैच इट, पर उसने देखा कि मेरे पीछे ही खड़ा है। तो उसने इंजमा उलक की तरफ देख के कहा कि इंजी भाई ये मेरे एकदम पीछे आ गया है। इंजमा ने कहा वाह चला जाएगा पीछे, तू बॉलिंग कर ले। मैं सहवाग को किसी इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उसमें इंटरव्यू वाला पूछ रहा था कि आप स्पिनरों को इतना बुरा धोते हैं, इतना बुरा मारते हैं, क्या कारण था। तो सहवाग ने कहा कि मैं गांव का था और गांव में स्पिनर को बॉलर नहीं समझते, और आप गांव वाले जीते बैठे हो। आप देख लो अपने गांव में दो ही प्रकार के होते हैं, या तो आप बैट्समैन हो या फास्ट बॉलर हो, ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं स्पिनर बनना चाहता हूं। और मान लो कभी किसी मैच में कोई कह दे कि अब ये स्पिन बॉलिंग करेंगे, तो आगे फर्जी सा फर्जी बैट्समैन भी फील्डिंग देखता किधर मारूं इसको, लेग स्टंप की तरफ देखता कितना दूर तक छक्का मार सकता हूं, होता तो स्पिनर वो तो सहवाग यूं बुरा ही मार दिया करता था। तो मुल्तान वास्तव में उस बात के लिए याद किया जाता है कि सहवाग ने 309 रन बनाए, इसलिए सहवाग का नाम पड़ गया मुल्तान का। लड़कियां और ज्यादा अच्छे से जाननी चाहिए, वैसे तो मुल्तान को आपकी तरफ से पता नहीं क्यों आवाज नहीं आई, शैंपू अब होने लगे हैं, अपनी मम्मियों ने पता नहीं कितने साल तक अपने माथे मुल्तानी मिट्टी से धोए हैं। तो मेट जो मेट आती थी वो मिट्टी कहां की मानी जाती थी, मुल्तान। अपने कहते हैं जब भारत और पाकिस्तान अविभाजित थे तब सबसे अच्छी पाजेब यदि कहीं पर बना करती थी तो कहां बना करती थी, मुल्तान। मैं भूल रहा हूं वो पंजाबी सिंगर कौन है, पर एक पंजाबी सिंगर का गाना है, तो उसमें शुरुआत में गाने में दो लड़कियां आपस में बात करती है, एक लड़की दूसरी से पूछती है इतनी सोनी झांझर कितों मंगवाई, वो दूसरी वाली कहती है पंजाब तो मुल्तान तो। तो मुल्तान की पाजेब भी बहुत फेमस थी, मुल्तान की मिट्टी फेमस थी, मुल्तान का सेनापति कौन आया था, कब आया था, 1305। और ऐसा कहा जाता है कि वो अटैक करता है यहाँ पे जालौर पे, जालौर का राजा कौन है अपना, कानड़देव, कानड़देव को उसने समझाया यार क्यों लड़ रहा है, वो दिल्ली का राजा है, इतना बड़ा राजा है, 2 मिनट में मसल के रख देगा तुमको, और जाके संधि कर लो उससे। और आइनुल मुल्क मुल्तानी कानड़देव को समझा के यहां से कहां ले गया, दिल्ली। और दिल्ली जाके ऐसा कहा, फरिश्ता ऐसा लिखता है कि वहां गया, और वहां जाने के बाद कानड़देव अलाउद्दीन से संधि कर ली, सब दरबार में बैठने लग गए, कानड़देव वहीं उसके दरबार में रहता था। और एक दिन अलाउद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं है जो मेरे से लड़ सके, जो अलाउद्दीन से लड़ सके। इस बात पे कानड़देव को बड़ा विचलित सा लगता है, वो खड़ा होता है, उसने कहा कोई तो क्यों नहीं, मैं लड़ लूंगा। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तो जाओ तुम्हारे जालौर और तैयारियां करो। तो ये वापस आता है कानड़देव, लड़ाई की तैयारियां करता है, और अलाउद्दीन बाद में यहां पर अटैक करता है। ऐसा फरिश्ता लिखता है कि पहले आइनुल मुल्क मुल्तानी गया, एक बार वो संधि कर लेता है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। लिख लो पांचवा कारण, लिख लो।